तिब्योंच के नवखेड़ा जागीर गांव से शासकीय तालाब पर कब्जा करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार न सिर्फ भू माफियाओं ने तालाब पर कब्जा किया बल्कि उक्त तालाब में विभिन्न प्रकार के केमिकल का प्रयोग कर मछली पालन भी कर रहे हैं। प्रशासन से भी मामले की शिकायत की गई लेकिन भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने धार्मिक आस्था केंद्र पर इस मामले की शिकायत करते हुए कहा कि डोल ग्यारस नवरात्रि पर मूर्ति और भुजरिया विसर्जन जैसी धार्मिक परंपराएं भी इस तालाब पर होती रहती हैं लेकिन भू माफियाओं की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। इसमें डोला सिरती हैं, भुजरिया सिरती हैं, नवदुर्गों में झांकी सिरती हैं, उस कोने पे जो चबूतरा उसे भी खंडित कर दिया, उस पे लाते रखते हैं, ऊपर पेड़ पे चढ़ते हैं। ये धार्मिक तालाब है, यहाँ पे डोला सिरते हैं, भुजरिया सिरती हैं, दुर्गे जी की झांकियाँ सिराई जाती हैं, यहाँ देवताओं का स्थान है, यहाँ अल्ताफ मियाँ ने मछली पालन कर लिया है। ठीक है, सड़ा हुआ मांस ला कर डालता है, यहाँ पानी दूषित हो रहा है, गऊ माता पानी नहीं पी पा रही है, और किसी के ढोर वगैरह आते हैं तो उसका आदमी यहाँ से डंडा दे के भगाता है। हम मत्स्य पालन विभाग से जानकारी लेंगे पहले तो वहाँ पे किसका है वो, और उसके बाद फिर राजस्व विभाग से भी रिपोर्ट लेंगे, पटवारी से रिपोर्ट लेंगे तो उसमें किसके कब्जा किया गया है, कब से कब्जा है और नियमानुसार जो भी संभव हो कार्रवाई करेंगे।